In this session, we are learning about reference operator and dereference operators regarding pointers. Reference operator is nothing but it is a percentile sign. Dereference operator is nothing but it is a asterisk. In previous cases, mein ampersand ka use kiya tha as a bitwise end operator. Same as asterisk ka use kiya tha as a multiplication operator. But in that case, there have different meanings. We are learning one by one. One more things, pointers के respect में especially बात की जाए, सबसे important things क्या होगा? These operator, अगर आपको इन operators का meaning perfectly clear, then pointers आपके लिए easily complete करना possible है. इस केस में इस सारे steps में one by one explain करूँगा. First one, reference operator, ampersandtile, also known as reference operator. Especially इसके साथ word क्या हुआ है? Operators means both are operators. Operators का general behavior क्या रहता है? It should follow priority rules and associativity rules. And C language के ने generally three types के possible operators थे: unary, binary and ternary operator. These all are unary operators. Type क्या इसका first one? First point. What is the type or category? Type is unary. अगर इसका टाइप ही यूनरी ऑपरेटर है तो रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स कितने होंगे? ओनली वन ऑपरेंड्स. मींस एम्परसेंट के केस में ओनली सिंगल रिक्वायर्ड ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगा एज अ वेरिएबल नेम्स. नेक्स्ट वन, टाइप यूनरी तो यूनरी के अकॉर्डिंग एसोसिएटिविटी रूल क्या रहेगा? राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. राइट टू लेफ्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं बिगिनिंग सेशन में ड्यूरिंग ऑपरेटर्स. राइट टू लेफ्ट स्पेशल रूल फॉर रिगार्डिंग एम्परसेंट. किसी भी ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करें तो ऑपरेटर्स के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या था? ऑपरेंड्स. जैसे मैंने प्लस प्लस के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग ऑपरेटर्स, रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स शुड बी वेरिएबल्स. मींस प्लस प्लस ऑपरेटर डायरेक्टली किसी वैल्यूज के लिए या प्रिमिटिव डेटा के लिए अप्लाई करना पॉसिबिलिटी इज इनवैलिड. इस केस में रेंज क्या होता है? एल वैल्यू रिक्वायर्ड. सेम टाइप के कुछ इस केस में रूल्स फॉलो करने होंगे. मींस एम्परसेंट और स्टार के केस में कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं, जस्ट आपको दोनों ही केस में ओनली टू रूल्स याद रखने की जरूरत है. फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग वन बाई वन. वर्किंग ऑफ एम्परसेंट नॉन एज रेफरेंस ऑपरेटर और एड्रेस एड ऑपरेटर. वन मोर नेम और एड्रेस एड ऑपरेटर्स. मीन्स अगर आपको एम्परसेंट और स्टार का मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर है देन रिमेनिंग सेशंस आपके लिए ईजिली परफॉर्म करना पॉसिबल. सबसे कॉम्प्लेक्स केस क्या है? दीज ऑपरेटर्स. मीन्स दोनों ही ऑपरेटर्स के केस में फिर से मैं रिकमेंड करूंगा ओनली आपको टू रूल्स याद रखने की. फर्स्ट वन, रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स. हाउ मेनी ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड? ओनली वन ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स. नेक्स्ट थिंग्स, विच टाइप्स ऑफ ऑपरेंड कैन बी अप्लाइड फॉर एम्परसेंट? एम्परसेंट के लिए रिक्वायर्ड ऑपरेंड क्या होना चाहिए? शुड बी वेरिएबल्स. एम्परसेंट ऑपरेटर स्पेशली मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ ना कि बिटवाइज एंड. क्लियर? कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर यूनरी सिंगल ऑपरेंड्स. रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी वेरिएबल्स. मीन्स एम्परसेंट ऑपरेटर ओनली वेरिएबल्स के साथ यूज करना पॉसिबल, नॉट फॉर वैल्यूज. फर्स्ट स्पेशल रूल. देन सभी ऑपरेटर्स का बिहेवियर कैसा रहता है? डिफरेंट डिफरेंट. मीन्स कोई भी ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड्स के साथ अप्लाई करने के जस्ट बाद रिटर्न क्या करता है? सम रिजल्ट. सेम है इस केस में रिटर्न क्या हुआ? इट विल रिटर्न्स एड्रेस ऑफ applied variables or given variables. Applied variables means generally operator में written क्या करेगा? Address of given variables. Special two rules. Same as regarding dereference operator. Just सारे things भी practically भी check करेंगे. Most important things. Next one, asterisk. Asterisk का type क्या है? इसके इसमें specially last two rules याद रखने की जरूरत है आपको. Next one similarly. Name of this operator is known as value contains operator or dereference operator. Reference means address, dereference means value or location. Dereference operator.
नेक्स्ट वन अगेन इस ऑपरेटर के केस में अगर टाइप की बात करें तो टाइप क्या अगेन यूनरी ऑपरेटर कम्स अंडर लिस्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर. अगर इसका टाइप यूनरी ऑपरेटर तो सेम प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर ऑलवेज फॉलो क्या करेंगे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव रूल. नेक्स्ट वन जिस टाइप से प्रीवियस केस में एम्परसेंड केस में डिस्कस किया था एम्परसेंड ऑपरेटर ओनली वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करना पॉसिबल नॉट फॉर वैल्यू. सिमिलरली इन दैट केस रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी मेमोरी एड्रेस. स्टार ऑपरेटर एज आई यूनरी अप्लाई करो ओनली फॉर एड्रेस नॉट फॉर वैल्यू. देयरफॉर स्पेशल रूल इज रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी मेमोरी एड्रेस ओनली एड्रेस के साथ यूज करना पॉसिबल होगा. देन जब भी डिफरेंस ऑपरेटर और वैल्यू कंटेंस ऑपरेटर को एड्रेस के साथ अप्लाई करें देन इस केस में रिटर्न किया हुआ सम रिजल्ट्स. प्रीवियस केस में रिजल्ट्स के फॉर्म में रिटर्न हो रहा था एज एड्रेस ऑफ गिवन वैल्यू सेम एज इट विल रिटर्न वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस. इट विल रिटर्न वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस. स्पेशल रूल्स अगर आपको चारों रूल्स कवर हैं इज दैट वन एंड दैट वन देन आपके लिए मीन्स थ्रू आउट पॉइंटर्स इजिली समझना पॉसिबल है. इस प्रैक्टिकली बात करें फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते सपोज दैट वी आर राइटिंग सम इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल इंट एक्स इक्वल्स टू टेन लाइक दैट सम वेरिएबल डिक्लेरेशन. अगर इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका मीनिंग क्या है जनरली मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन होगा उस लोकेशन को नेम असाइन हुआ होगा समथिंग एक्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन इज समथिंग 100 वेरिएबल नेम असाइन किया मैंने एज आ एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 का मीनिंग क्या है मीन्स 10 उस लॉजिकल प्लेस पर असाइन हुआ जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम एक्स फाउंड हो रहा मीन्स नाउ 10 इज असाइंड फॉर दैट प्लेस. रिगार्डिंग दैट केस अब इन दोनों ही ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं. सपोज दैट अगर आप किसी भी प्लेसेस पर वेरिएबल नेम यूज कर दो तो वेरिएबल नेम के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल और एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. जैसे एक्स के केस में बात करें तो एक्स का वैल्यू क्या है 10 एक्स का मेमोरी एड्रेस क्या है 100. फॉर एग्जाम्पल सिंपल थिंग्स प्रिंटैफ एक्स अगर प्रिंटैफ के थ्रू एक्स डिस्प्ले करा दें printf % d x और x plus 5 लाइक दैट फाइनली मींस क्वेश्चन क्या है इसके इसमें x के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या होगा 10 और 100 10 वेरिएबल नेम्स के प्लेसेस पर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट क्या रिप्लेस होता है ऑलवेज वैल्यू नॉट अ एड्रेस मींस इस केसेस में printf के थ्रू डिस्प्ले क्या होगा सिंपली 10 नॉट 100. बट सपोज दैट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एक्स का एड्रेस एक्सेस करना नॉट अ वैल्यू वी आर इंटरेस्टिंग ओनली फॉर फाइंडिंग एड्रेस ऑफ एक्स नॉट अ वैल्यू देन एड्रेस एक्सेस करने के लिए यूज क्या करोगे एम्परसेंड ऑपरेटर. सेम केस में अगर सेम प्रिंट एफ फिर से अगेन मैं यूज कर रहा हूँ परसेंट यू यू मीन्स अनसाइन मीन्स पॉजिटिव एम्परसेंट ऑफ एक्स देन इस केस में डिस्प्ले क्या होगा मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स नॉट अ वैल्यू. क्लियर दिस इज द बेसिक मीनिंग्स ऑफ दीज ऑपरेटर्स. देन अगेन सेम केस में डिटेल्स में वन बाई वन डिस्क्राइब करूंगा. फर्स्ट वन राइट डाउन क्या है सिंपली एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 10 और 100 सिंपली 10 नॉट अ 100 बाई डिफॉल्ट वेरिएबल नेम इटसेल्फ क्या देगा आपको ऑलवेज वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन. बट सपोज दैट अगर मैंने राइट डाउन किया लाइक एम परसेंट ऑफ एक्स देन इस केस में क्या रहा है जस्ट 100 इट विल रिटर्न एड्रेस ऑफ गिवन लोकेशंस. एम्परसेंड ऑपरेटर्स के केस में जस्ट टू रूल्स एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट रूल रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी वेरिएबल इस केस में एम्परसेंड के लिए ऑपरेंड क्या है ऑपरेंड पार्ट इज एक्स एक्स इज अ वेरिएबल नेम्स रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी वेरिएबल. सेकंड थिंग्स क्या था इट विल रिटर्न मेमोरी एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल. फाइनली जब एक्स के साथ एम्परसेंड अप्लाई किया था रिटर्न क्या हो रहा है 10 और 100 100 मीन्स मेमोरी एड्रेस नॉट अ वैल्यू. इस फाइनली इस प्लेस पर फाइनली रिप्लेस क्या हुआ समथिंग 100 100 क्या है इसके इसमें डायग्राम के रिस्पेक्ट में वैल्यू और एड्रेस एड्रेस. नेक्स्ट वन सेकेंड ऑपरेंड क्या ऑपरेटर क्या था स्टार. अगर मैं 100 के साथ स्टार अप्लाई करता हूँ स्टार के केस में जस्ट एक्सप्लेन किया था रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी मेमोरी एड्रेस. फाइनली जब मैंने स्टार अप्लाई किया स्टार के लिए ऑपरेंड पार्ट क्या है 100 100 इज अ ऑपरेंड स्टार इज अ ऑपरेटर्स.
करेंटली स्टार के रिस्पेक्ट में ऑपरेंड किस फॉर्म में है, वैल्यूज के फॉर्म में और एड्रेस के फॉर्म में, एड्रेस, दैट्स वाई वी आर राइटिंग सम पॉइंट्स, रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी मेमोरी एड्रेस. नेक्स्ट वन, जब भी किसी भी एड्रेस के साथ स्टार ऑपरेटर अप्लाई करो, ऑलवेज प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन. अगर मैं स्टार के मीन्स 100 के साथ स्टार अप्लाई करता हूँ, फाइनली ऑपरेटर आपको रिटर्न क्या करेगा, उस लोकेशन का वैल्यू रिटर्न करेगा जिस लोकेशन के लिए इस ऑपरेटर को अप्लाई किया. तो करंटली 100 के लिए अप्लाई किया और 100 लोकेशन में वैल्यू क्या स्टोर है, 10. फाइनली स्टार 100 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, 10. क्लियर. इस फाइनली इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं सिंपली एक्स यूज करता हूँ, ओनली एक्स, देन एक्स के प्लेस पर क्या आया था, 10 और 100, 10. स्टार 100 के प्लेसेस पर भी क्या है, ऑल्सो 10. मीन्स चाहे मैं एक्स यूज करूँ स्टार 100 यूज करूँ, दोनों के मीनिंग कैसे हैं, सेम, बोथ आर इक्वलेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन ऑपरेटर्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, मीन्स इस केस में एक्स और स्टार 100 कैसे हैं, एग्जैक्टली अल्टरनेटिव ऑफ ईच अदर. मीन्स जिस लोकेशन का नेम एक्स है उसी लोकेशन का एक और नेम क्या है, स्टार 100. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर किसी इस लोकेशन का एड्रेस 100 फाउंड हो रहा है तो इसी लोकेशन का एक और लॉजिकल नेम क्या हुआ, इस लॉजिकली कंसीडर करना पॉसिबल है इस एज अ स्टार 100. नाउ स्टार 100 इज एग्जैक्टली सेम एज एक्स. चाहे आप एक्स यूज करो, एक्स के केस में भी 10 मिलेगा और स्टार 100 के केस में क्या मिलेगा, ऑल्सो 10. क्लियर. वन मोर थिंग्स, नेक्स्ट सेशन में बार बार सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, स्टार 100 और स्टार एन. सपोज दैट अगर इस लोकेशन का एड्रेस एन होता, देन इसका लॉजिकल नेम क्या कंसीडर करते हैं, स्टार एन. एन मीन्स अगर एड्रेस 200 है देन एक और नेम क्या हुआ, स्टार 200. अगर एड्रेस 1000 है देन नेम क्या हुआ, स्टार 1000 एंड सो ऑन. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. वन मोर थिंग्स, जब भी स्टार एड्रेस के साथ अप्लाई करोगे, जरूरी नहीं कि ऑलवेज आप डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कराओ. मीन्स स्टार 100 एग्जैक्टली कंपेयर करें सम वेरिएबल नेम्स. वेरिएबल नेम्स मीन्स जो रूल्स और प्रॉपर्टी अगर इस वेरिएबल के लिए एक्स के लिए अप्लाई हो रहे हैं, एक्स के लिए फॉलो हो रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी एग्जैक्टली में सॉल्व करें रिगार्डिंग स्टार 100. फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं राइट डाउन करता हूं इस प्लेस पर एक्स एम परसेंट स्टार, इट इज वैलिड एक्सप्रेशन बिकॉज इस केस में एम परसेंट और स्टार क्या है, ऑपरेटर्स. एक्स क्या है, ऑपरेंड. दोनों ही ऑपरेटर का टाइप क्या है, बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स. बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी है, देन इनका दोनों का प्रायोरिटी कैसा है, एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी. अगर सेम प्रायोरिटी है देन इसके इसमें अप्लाई क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी रूल. एसोसिएटिविटी रूल्स के अकॉर्डिंग, एसोसिएटिविटी रूल कौन सा फॉलो होगा, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल्स. राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग अगर राइट टू लेफ्ट चेक करो तो सबसे पहले क्या फाउंड हो रहा है, एम परसेंट. सबसे पहले अप्लाई भी क्या होगा, एम परसेंट. एम परसेंट के लिए रूल क्या था, रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी वेरिएबल. हियर एक्स इज अ वेरिएबल नेम्स. नेक्स्ट, जहां भी एम परसेंट एक्स राइट डाउन किया, इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन. डायग्राम के अकॉर्डिंग लोकेशन एक्स का मेमोरी एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है, 100. दैट्स वाई मीन्स एम परसेंट एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, 100. क्लियर. नेक्स्ट थिंग्स, राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग एम परसेंट रिजोल्व हो चुका है, रिजोल्व क्या करना है इसके इसमें, स्टार. स्टार के लिए रूल क्या था, रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी मेमोरी एड्रेस. या फिजिकली आपको डायरेक्टली एड्रेस हो नहीं रहा, लेकिन रियल में इस केस में एम परसेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न क्या हुआ, एड्रेस. इसलिए स्टार अप्लाई करना पॉसिबल हुआ. देन जब भी स्टार 100 के साथ अप्लाई करें तो रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू ऑफ लोकेशन 100. 100 लोकेशन वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, 10. मीन्स फाइनली इस प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा, 10. और वी कैन सी स्टार एम परसेंट एक्स इज सिमिलर टू और इट विल रिटर्न्स 10. मीन्स इस केस में रिटर्न क्या हुआ, 10. वन मोर थिंग्स और वन मोर टाइम्स, अगेन वी आर यूजिंग सेम एक्सप्रेशन एक्स एम परसेंट अगेन स्टार लाइक दैट और सिंपली एम परसेंट. वन मोर टाइम्स अगेन, इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 ऑपरेटर्स अप्लाई किए, एम परसेंट स्टार एम परसेंट. तीनों के प्रायोरिटी कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी. सेम प्रायोरिटी इसलिए सॉल्व करें इनको राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी रूल. राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले एम परसेंट, एम परसेंट एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, एड्रेस ऑफ लोकेशन एक्स.
नेक्स्ट टाइम अगेन राइट टू लेफ्ट फिर से सोल्व करो, देन नेक्स्ट सॉल्विंग ऑपरेटर कौन सा इस केस में स्टार। इस केस में आपके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे ही आपको इस केस में फिजिकली स्टार दिखा देन इमीडिएटली स्टार 100 के प्लेस पर क्या रिप्लेस करें, ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। जब भी स्टार किसी भी एड्रेस के लिए अप्लाई करोगे आपको रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन मीन्स 10। नाउ दैट दिस एक्सप्रेशन बिकम्स इनवैलिड मीन्स इसको इंटरप्रेट करने का प्रॉपर वे क्या यूज करोगे, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था स्टार 100 इज एग्जैक्टली सेम एज एक्स मीन्स एक्स को किसी भी प्लेस पर स्टार 100 से रिप्लेस कर सकते हो और स्टार 100 को किसी भी प्लेस पर एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। वन मोर थिंग्स, जो प्रॉपर्टी एक्स के लिए अप्लाई करना पॉसिबल था सेम प्रॉपर्टी किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टार 100 के लिए। मीन्स मीनवाइल स्टार 100 अगर आपको इस केस में कन्फ्यूजन हो रहा है तो देन इस केस में स्टार 100 के प्लेस पर लॉजिकली अगर एक्स कंसीडर करते हैं देन एम्परसेंट, देन एम्परसेंट एक्स आपको क्या देगा, एड्रेस ऑफ लोकेशन एक्स। सिमिलरली इस केस में जो एम्परसेंट साइन ऑपरेटर अप्लाई हुआ है इसको अगर आप इस टाइप से इंटरप्रेट करोगे लॉजिकली, इसे एम्परसेंट क्या रिटर्न करेगा, उस लोकेशन का एड्रेस रिटर्न करेगा जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम क्या है, स्टार 100। क्लियर, इसे इसको वन बाई वन इंटरप्रेट न करके आपको लॉजिकली कंपेयर करना लाइक एक्स और लाइक वेरिएबल नेम, देन आपके लिए कोई भी थिंग्स इजीली सॉल्व करना पॉसिबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इसे इस प्रॉपर्टी को स्पेशली याद रखना है। इन दैट केस मीन्स स्टार 100 के प्लेस पर वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार 100 को कंसीडर करेंगे लाइक अ वेरिएबल नेम और लोकेशन नेम, देन अप्लाई करेंगे एम परसेंट, देन एम परसेंट अप्लाई किसके लिए हो रहा है, स्टार 100 के लिए, रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन, और वी कैन से एम परसेंट स्टार 100 के प्लेस पर लॉजिकली कंसीडर करोगे एज अ एक्स अकॉर्डिंग टू दैट केस। देन इस केस में आपको क्या मिला है 100, तो फिर इस केस में क्या मिलना चाहिए ऑल्सो 100। इसका लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ, स्टार और एम परसेंट ऑलवेज एक दूसरे से कैंसिल होंगे, देन आपको क्या मिला फाइनली 100। मीन्स अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर स्टार और एम परसेंट ग्रुप्स के फॉर्म में अवेलेबल है और पेयर्स के फॉर्म में अवेलेबल, देन इनको एक दूसरे से कैंसिल करना पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल एक्स एम परसेंट स्टार एम परसेंट स्टार एम परसेंट स्टार और समथिंग एम परसेंट, इन दैट केस इस पर्टिकुलर केस में अगर बात करें तो आपको वन बाई वन रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले एम परसेंट स्टार के जितने भी पेयर्स अवेलेबल हैं सभी को आप कैंसिल करोगे, कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड, फाइनली क्या होता है एम परसेंट फाइनल है और एक्स, फाइनल केस क्या है, इट इज इक्वेलेंट टू एम परसेंट ऑफ एक्स, और एम परसेंट ऑफ एक्स के केस में क्या मिलेगा, इट विल रिटर्न एड्रेस ऑफ लोकेशन एक्स, मीन्स फाइनली इस केस में एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 100, दिस इज इक्वेलेंट टू एम परसेंट एक्स। दिस इज द मीनिंग्स ऑफ एम परसेंट और स्टार ऑपरेटर्स, मीन्स ऑलवेज इस केस में फॉलो किया करें, अगर एम परसेंट और स्टार किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में दोनों ही एक साथ अप्लाई किए गए, देन सबसे पहले आप अप्लाई किया करोगे एसोसिएटिविटी रूल, बिकॉज दोनों का टाइप क्या है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी के अकॉर्डिंग इनके प्रायोरिटी कैसे हैं, ऑलवेज सेम प्रायोरिटी, इसलिए अप्लाई क्या करेंगे एसोसिएटिविटी रूल्स। क्लियर, मीन्स अगर आपको इन दोनों ऑपरेटर्स का मीनिंग क्लियर है देन आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम्स ईजिली फॉलो करना पॉसिबल। वन मोर थिंग स्पेशली इस केस में याद रखना है, अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस एन है देन उसी लोकेशन का एक और नेम क्या होगा स्टार एन, इसे अगर इसका एड्रेस 100 था इसलिए इसका नेम कंसीडर किया मैंने एज अ स्टार 100। स्टार 100 इज सिमिलर टू लाइक अ वेरिएबल नेम्स, मीन्स वेरिएबल नेम्स क्या थे, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और स्टार 100 भी क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। इस पर्टिकुलर केस को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं सिंपली एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ इस केस में। सपोज दैट वी आर राइटिंग सम सी प्रोग्राम वॉइड मैन सम वेरिएबल इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट इस केस में मैंने सिंपली प्रिमिटिव वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया, नेक्स्ट केस इंट स्टार पी और पी एक्स, पी एक्स मीन्स पॉइंटर ऑफ एक्स, इंट स्टार पी एक्स मीन्स एक्स क्या था नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल, लेकिन अगर मैंने आपको प्रीवियस केस में जब इसके सिंटेक्स डिस्कस किए थे तो सिंटेक्स केस मैंने पॉइंटर्स को डिक्लेरेशन के पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड किस फॉर्म में किया था बाय यूजिंग स्टार, अगर किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन स्टार के थ्रू राइट डाउन किया था इसका टाइप क्या होगा ऑलवेज पॉइंटर वेरिएबल्स। वन मोर थिंग्स, व्हाट शुड बी डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स, मीन्स पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डिपेंड करेगा आप किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस असाइन कराना चाहते हो। सपोज दैट अगर आप
कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, देन पॉइंटर का टाइप क्या होना चाहिए, कैर स्टार। सिमिलरली अगर इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर कराना है, देन वेरिएबल का टाइप क्या लोगे, पॉइंटर का टाइप क्या लोगे, इंट स्टार। अगर वेरिएबल का टाइप फ्लोट है, देन पॉइंटर का टाइप क्या लेंगे, फ्लोट स्टार। अगर वेरिएबल का टाइप स्ट्रक्चर है, लाइक एम्प्लॉई, देन उसके इसमें पॉइंटर का टाइप क्या लाएंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्टार, लाइक दैट। इन दैट केस मीन्स अगर मुझे एक्स का एड्रेस स्टोर कराना, तो एक्स का टाइप क्या है, इंटीजर। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए करेस्पॉन्डिंग पॉइंटर का टाइप क्या हुआ, इंट स्टार, ओनली इसमें इंक्लूड किया हुआ स्टार। नेक्स्ट वन, पी एक्स इक्वल्स टू एम परसेंट ऑफ एक्स, फाइनली प्रिंट एफ परसेंट डी, और फर्स्ट केस में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ एज अ मेमोरी एड्रेस। एड्रेस को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे परसेंट यू परसेंट यू परसेंट यू, देन एड्रेस ऑफ एक्स सिंपली पी एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ पी एक्स। जिस टाइप से एक्स क्या है वेरिएबल, सिमिलरली पी एक्स भी क्या है, ऑल्सो वेरिएबल नेम। अगर एक्स के लिए एड्रेस पॉसिबल है, तो पी एक्स के लिए भी रिक्वायर पॉसिबल क्या हुआ, ऑल्सो मेमोरी एड्रेस। इस ओनली डिफरेंस क्या है, एक्स प्रिमिटिव है और पी एक्स पॉइंटर है। एक्स प्रिमिटिव इसलिए एक्स में क्या स्टोर होगा, वैल्यू, और पी एक्स में क्या स्टोर होगा, ऑलवेज एड्रेस। देन सेकेंड केस में डिस्प्ले करा रहा हूँ वैल्यूज, प्रिंट एफ परसेंट डी परसेंट डी एक्स कॉमा स्टार पी एक्स, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के केसेस में अगर स्पेशली बात करें, इस केस में एड्रेस को एग्जैक्टली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं इस केस में एड्रेस फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं। इस केस में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बिहेवियर ऑफ दिस कोड। इन दैट केस जब भी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, तो सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल्स। इस प्रीवियस केसेस में मोस्ट ऑफ प्रोग्राम में डिस्कस की थे यूजिंग स्टैक डायग्राम, इस केस में भी क्रिएट क्या करेंगे, स्टैक डायग्राम फॉर दैट प्रोग्राम। सपोज दैट अगर इस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस 100 है, तो इसी लोकेशन का एक और लॉजिकल नेम क्या हुआ, ऑल्सो स्टार 100 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस केस और प्रीवियस प्रॉपर्टी। अगर इस लोकेशन का एड्रेस 98 है, देन सेम एज 96 और 94 एंड सो ऑन, दिस इज माय अजम्पशन नॉट अ एक्चुअल एड्रेस। देन स्टार 98, इस लोकेशन का एड्रेस 96 है, तो एक और नेम क्या होगा, स्टार 96। मीन्स ये आपके लिए वेल नोन होना चाहिए, बार बार मैं इसको रीराइट नहीं करूँगा। मीन्स अगर किसी लोकेशन का एड्रेस एन है, देन कंसिडर करोगे ऑलवेज स्टार एन। देन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या फाउंड हो रहा है, दैट वन। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले टू वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड होंगे, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, देन परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑल लोकल वैल्यूज। फर्स्ट लोकल वैल्यू क्या है, एक्स, सेकेंड लोकल वैल्यू क्या है, पी एक्स। फाइनली डिक्लेरेशन सिक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन किसके लिए हुआ, एक्स के लिए। मीन्स एक्स इज सिमिलर टू स्टार 100, सेम एज नेक्स्ट लोकेशन को नेम क्या हो जाएगा, पी एक्स। पी एक्स क्या, पॉइंटर। पॉइंटर के लिए भी परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन, लाइक दैट। मीन्स पी एक्स इज सिमिलर टू स्टार 98 एंड एक्स इज सिमिलर टू स्टार 100, क्लियर। देन जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा, देन इमीडिएटली एक्स में क्या हो जाएगा, 10। जिस लोकेशन का नेम एक्स, उस लोकेशन में कैसा हो रहा है, 10। देन एग्जीक्यूशन किसका हो, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करंटली पॉइंटर पी एक्स में कोई एड्रेस असाइन नहीं हुआ है, एज्यूम कर सकते हो सम गार्बेज एड्रेस। तो लोकेशन मीन्स पॉइंट भी किसको करेगा, सम अननोन और गार्बेज लोकेशंस। सपोज दिस वन सम गार्बेज प्लेस। नेक्स्ट वन, थर्ड केस, मीन्स इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसके, थर्ड एक्सप्रेशंस। इस एक्सप्रेशंस के केस में आपको कुछ भी स्पेशल फॉलो नहीं करना, ओनली सिंपली ऑपरेटर्स के रूल्स और प्रायोरिटीज फॉलो करना है। इन दैट केस टोटल इस एक्सप्रेशन में टू ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, एम्परसेंट और असाइनमेंट। असाइनमेंट इज अ लीस्ट प्रायोरिटी बाइनरी ऑपरेटर। सी एम्परसेंट के केस में बात करें, एम्परसेंट यूनरी ऑपरेटर, इसलिए इसका प्रायोरिटी कैसा है, हाईएस्ट। तो इन दोनों ही केसेस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, एम्परसेंट का। इसलिए सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे, एम परसेंट। ऑपरेंट क्या है इसके लिए, एक्स। जस्ट प्रीवियस रूल्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, रिक्वायर्ड ऑपरेंट शुड बी वेरिएबल। यहाँ एम परसेंट अप्लाई किसके साथ हुआ, वेरिएबल्स के साथ। फाइनली जब किसी वेरिएबल के साथ एम परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करोगे, रिटर्न क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। मीन्स जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम एक्स है, उस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस क्या है, 100। तो फाइनली एम परसेंट एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, 100। इट इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 100।
मीन्स जरूरी नहीं कि सभी केस में ऑलवेज 100 मिलेगा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज एजम्पशन नॉट अ एक्चुअल एड्रेस। आप कोई भी एड्रेस कंसीडर कर सकते हैं लेकिन उनमें रिलेशन और डिफरेंस कितने का होगा, एग्जैक्टली लाइक दैट वे इन 16 बिट सी कंपाइलर्स। नेक्स्ट वन, जिस लोकेशन का नेम पी एक्स उस लोकेशन में कैसा हो जाएगा 100, मीन्स दैट वन पी एक्स। पी एक्स का प्रीवियस वैल्यू गार्बेज था, न्यू वैल्यू क्या है 100। पी एक्स क्या पॉइंटर, जब भी आप पॉइंटर क्रिएट करते हो तो मीन्स इसके इसमें वेरिएबल नेम क्या था पी एक्स, लेकिन इसके पी एक्स के रिस्पेक्ट में और पॉइंटर के रिस्पेक्ट में ऑलवेज टू लोकेशंस क्रिएट होंगे, वन मोर लोकेशन क्रिएट होगा लॉजिकल नॉट अ वेरिएबल नेम्स स्टार पी एक्स। इसके इसमें फाइंड आउट क्या करना, विच लोकेशन इज कंसीडर्ड एज स्टार पी एक्स, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग्स। स्टार पी एक्स केस में बात करें कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली पी एक्स क्या सिंपल वेरिएबल नेम, तो पी एक्स या वेरिएबल नेम के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है इट्स वैल्यू। जब पी एक्स की बात करें तो पी एक्स के केस में पी एक्स का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 100 और एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है पी एक्स का 98। मीन्स 100 एक्स के रिस्पेक्ट में एड्रेस है लेकिन पी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है वैल्यू नॉट अ एड्रेस। फाइनली पी एक्स कहीं भी अगर आप यूज करोगे तो थ्रू आउट प्रोग्राम पी एक्स के प्लेस पर या पॉइंटर के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ दैट पॉइंटर। करेंटली पी एक्स पॉइंटर का वैल्यू क्या है 100, इसलिए पी एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 100 और स्टार के प्लेस पर क्या रहेगा स्टार। इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मीन्स स्टार पी एक्स इक्वलेंट किसके है, इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100। मीन्स जिस लोकेशन का नेम स्टार 100 है उसी लोकेशन का एक और नेम क्या हुआ स्टार पी एक्स। मीन्स पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी टू लोकेशन कंसिडर करोगे, पॉइंटर नेम इटसेल्फ और स्टार पॉइंटर नेम। स्टार पॉइंटर नेम उस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर है, जैसे पी एक्स में क्या स्टोर था 100, तो 100 लोकेशन का एक और नेम क्या हो जाएगा दैट लोकेशन इज 100, इसी का एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार पी एक्स। मीन्स लॉजिकली इसी एक ही लोकेशन के नेम्स कितने 3 नेम्स, स्टार 100 एक्स और स्टार पी एक्स। फिर से याद रखना पॉइंटर्स के केस में कितने लोकेशन होंगे 2, पॉइंटर नेम और स्टार पॉइंटर नेम। इस प्रोग्राम में पॉइंटर का नेम पी एक्स है इसलिए एक और लोकेशन क्या है स्टार पी एक्स। स्टार पी एक्स किस लोकेशन का नेम होगा डिपेंड करेगा पी एक्स में एड्रेस किस लोकेशन का स्टोर है। अगर इसमें 100 स्टोर है तो स्टार पी एक्स किसका नेम है लोकेशन 100 का। सपोज दैट अगर पी एक्स में 96 होता है स्टार पी एक्स किसका नेम होता है 96 का। क्लियर, आगे और प्रैक्टिस करने देना आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब एक्स का अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव नेम क्या फाउंड हो रहा है स्टार पी एक्स। अगर आप एक्स में चेंज करो तो इंडायरेक्टली चेंज किस में होंगे स्टार पी एक्स में। सेम है अगर स्टार पी एक्स में कोई चेंजेस कर देते हैं इंडायरेक्टली चेंज किस में होंगे एक्स में। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू प्रिंट एफ, नेक्स्ट वन प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग जब इस प्रिंट एफ के आर्ग्यूमेंट्स राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें तो एम परसेंट ऑफ पी एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा एड्रेस ऑफ पी एक्स। जिस टाइप से नॉर्मल ऑर्डिनरी वैल्यू का एड्रेस एक्सेस करना पॉसिबल है सिमिलरली पॉइंटर्स का भी एड्रेस एक्सेस करना पॉसिबल बाय यूजिंग एम परसेंटाइल साइन और एम परसेंटाइल ऑपरेटर्स। तो एम परसेंट ऑफ पी एक्स के प्लेस पर क्या आएगा पी एक्स का एड्रेस, पी एक्स का एड्रेस क्या है 98। फाइनली इस प्लेस पर क्या आएगा 98। पी एक्स ओनली पी एक्स के प्लेस पर क्या आएगा पी एक्स का वैल्यू नॉट अ एड्रेस और पी एक्स का खुद का वैल्यू क्या है 100। तो इस प्लेस पर क्या आएगा 100। नेक्स्ट वन एम परसेंट ऑफ एक्स, एम परसेंट ऑफ एक्स मीन्स एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है 100, तो इसलिए इस प्लेस पर क्या आएगा ऑल्सो 100। चेक कर सकते हो एक्स का एड्रेस और पी एक्स का वैल्यू दोनों केस कैसे सेम, एक्स का एड्रेस 100 और पी एक्स का वैल्यू 100, इसलिए एम परसेंट एक्स और पी एक्स दोनों केस में कंटेंट्स कैसे होना चाहिए सेम कंटेंट मीन सेम मेमोरी एड्रेस, लेकिन पी एक्स का खुद का एड्रेस क्या होना चाहिए 98। मीन जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके सिस्टम में एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं लेकिन फर्स्ट टू वैल्यूज कैसे होंगे सेम, सेम मेमोरी एड्रेस और फर्स्ट टू और लास्ट वाले वैल्यू में डिफरेंस कितने का होगा 2 का इन 16 बिट कंपाइलर। अगर आप 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर यूज करते हैं एड्रेस में कितने का डिफरेंस क्रिएट होगा 4 का, क्योंकि उसके इसमें पॉइंटर का साइज क्या रहेगा 4 बाइट। बाद में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। एंड फाइनली इसके इसमें फर्स्ट प्रिंट एप के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या चाहिए गिवन, मीन्स रिलेशन क्या होना चाहिए सेम, फर्स्ट टू वैल्यू कैसे होंगे सेम, सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस कितने थर्ड और फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस कितने का 2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट प्रिंट एप है एग्जीक्यूट, नेक्स्ट प्रिंट एप के अकॉर्डिंग अगेन
इन दैट केस स्टार, स्टार के प्लेस पर आप स्टार यूज करो, वैसे तो आपके लिए डायरेक्टली भी राइट डाउन करना पॉसिबल है। जैसे एक्स की बात करें तो एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 10। स्टार पी एक्स की बात करें तो स्टार पी एक्स के प्लेस पर भी क्या आएगा, वैल्यू ऑफ स्टार पी एक्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग जिस लोकेशन का नेम स्टार पी एक्स है उस लोकेशन का वैल्यू क्या है 10, तो इस प्लेस पर भी क्या आएगा 10। अगर आप इसको रिजॉल्व करके भी राइट डाउन करोगे तो आपके लिए इजिली सॉल्व करना पॉसिबल है। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली पी एक्स क्या है वेरिएबल नेम, तो पी एक्स और किसी भी वेरिएबल नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराओ इट्स वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू क्या है 100, तो स्टार पी एक्स केस में पी एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे 100। देन स्टार 100, स्टार का प्रॉपर्टी क्या बताया था, रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी एड्रेस, तो इस केस में 100 क्या है एड्रेस, प्लस ये रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ लोकेशन 100, 100 लोकेशन में वैल्यू क्या स्टोर है लोकेशन 100, वैल्यू क्या है 10, फाइनली इस केस में क्या आएगा 10, मींस स्टार पी एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो रहा है 10। दोनों ही केस में आउटपुट क्या आएंगे 10 10, स्पेशली याद रखना है एक्स किस केस में आ रहा है स्टार पी एक्स, क्लियर। नेक्स्ट केस में अदर प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे।